गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूं जो कि आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ खास, चलिए नज़र डालें। आज 23 जुलाई 2021 है। चलिए आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, किस राज्य ने संस्कृत विद्वानों को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आप संस्कृत के अगर विद्वान हो, संस्कृत के टीचर हो, कहीं पढ़ा रहे हो, तो आपको वहाँ पे निःशुल्क जो है बस सेवा मिलेगी। वो कौन किया है ऐसा, हरियाणा गवर्नमेंट किया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो ये कौन किया है, रूस ने किया है। रूस ने भी कहा है कि हम स्पेस में अपना एक अलग स्पेस सेंटर बनाएंगे, जिस तरीके से चाइना किया है ना, एक तो कॉमन है हमारा स्पेस सेंटर, और चाइना कहा है कि हम अपना बनाएंगे और रशिया कहा है कि वो हम अपना बनाएंगे, तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक बस का ट्रायल शुरू किया है, तो अभी इलेक्ट्रिक जो बसेस होती हैं ये, लेकिन ये कैसी बसेस हैं, एसी वाली बसेस हैं, ये कहाँ पे शुरू किया गया ट्रायल, ये अभी यूपी में शुरू किया गया है, लखनऊ से चलेगी ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इनका नाम है एरियल हेनरी। इनका नाम याद रखिएगा क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था शायद तो 2-3 दिन पहले कि हैती के जो प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे वहाँ के, वो उनकी हत्या कर दी गई थी, इसलिए हैती जो था बहुत न्यूज़ में था। अब वहाँ के इंटरिम जो पीएम थे वो हट गए हैं, अब जो नए पीएम बने हैं वो क्या, उनका नाम क्या है, एरियल हेनरी, तो इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए 44 डिजिटल ग्राम केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, तो 44 ग्राम केंद्र बनाए जा रहे हैं डिजिटल, वो कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस देश ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैकलेव ट्रेन का अनावरण किया, तो ये कहाँ पर किया गया है, ये चाइना में किया गया है, और ये अभी तक दुनिया में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इससे क्वेश्चन डैम श्योर बनेंगे कहीं ना कहीं। ये क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे, दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं, तो इनका नाम क्या है, ओलिवर डैमेन, इनका नाम याद रखिएगा, और ये मात्र कितने साल के हैं, 18 साल के हैं, इनकी एज अगर पूछी जाए कितनी है, 18 ईयर ओल्ड हैं ये मात्र, सोचिए इतनी कम उम्र में इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। और अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा उम्र के कौन हैं जो कि गई थी, तो वो हैं वैली फेंक, इनका नाम याद रखिएगा, और इनकी एज है 82, ठीक है। और अभी आपको पता होगा तो जेफ बेजोस जो हैं वो स्पे, जो उनका सैफर्ड था, सैफर्ड जो स्पेस क्राफ्ट था उससे गए थे और ये वापस आ गए हैं, तो इसलिए न्यूज़ में आ गया, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन्होंने कर्मन लाइन को क्रॉस किया, ये क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में, अगर ये ना पूछेगा तो हो सकता है ये पूछ दे कर्मन लाइन कहाँ पर लोकेट होती है, तो ये समुद्र तल से 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है, याद रखिएगा। और ये काल्पनिक रेखा, ऐसा नहीं कोई रेखा खींची गई है, काल्पनिक रेखा है, और माना जाता है कि अगर हम समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो मान लिया जाता है कि अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, यानी स्पेस की शुरुआत हो जाती है, तो ऐसा मान लिया जाता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, कर्मन लाइन कहा जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ये क्या है, ये है डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड पर एक किस मंत्रालय द्वारा वेबिनार आयोजित किया गया, तो अभी डिजिटल मीडिया जान रहे हो, बहुत सारे एथिक्स देखने को मिलते हैं आपको, मतलब अनवायलेंट चीज़ें देखने को मिलती है, उसके लिए एथिक्स लाया गया, मतलब एक नियम कानून लाया गया कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो उसकी उसका इसके लिए वेबिनार लगाया गया, तो वो कौन किया, मतलब कौन आयोजित किया, तो सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा किया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये मंत्रालय किसके पास है, कौन मंत्री है इसका, आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आदर्श स्मारक
नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या है, आदर्श स्कीम कितने स्मारक को विकसित कर रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि आदर्श स्मारक जो है ये कितने स्मारकों को विकसित कर रहा है। तो ये इस स्कीम के अंदर 100 स्मारक आ रहे हैं, जैसे कि आप स्मार्ट सिटी देख रहे थे ना जिसमें 100 सिटीज़ बनाना, तो उसी तरीके से स्मारक को भी विकसित करना है। और ये मंत्रालय किस, मतलब ये पहल जो है किस मंत्रालय की आती है, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर आती है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सबमिट का आयोजन किसके द्वारा किया गया, मतलब कौन सा यूनिवर्सिटीज़ को आयोजित करा। तो ये क्या है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वेंकैया नायडू जी, उन्होंने किया था। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। थीम भी बहुत बड़ी है तो इसलिए वो नहीं आएगी। हाँ, ये कौन कर सकता है, भारत ने किया, भारत में भी कहाँ, तो याद रखिएगा ओपी जिंदल ग्लोब यूनिवर्सिटी ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए भारत ने कब तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्टअप जो ये वुमेंस के लिए किया गया था, अब इसका विस्तार 2026 तक किया गया। अब ये पहली बार कब आया था, तो याद रखिएगा ये पहली बार जो था वो अप्रैल आपका 2016 के अंदर इसको लाया गया था। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेता को सरकारी जो सरकारी नौकरियां होती है उसका आश्वासन दिया। ये अच्छी बात है, ये किसने किया, आसाम ने किया है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारे खेल खेलते हैं, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं और गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, हमारे भारत के लिए हमारा नाम रोशन करते हैं, तो अगर उनको सरकारी नौकरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हो इसके बाद, जैसे कि ये अगर पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद इनका लाइफ तो कुछ ही समय तक का फिर रहता है ना, कि ना ही, क्योंकि सारा जो कॉन्सेंट्रेशन है पूरा तो खेल पर लगा देते हैं, फिर इनकी लाइफ क्या होगी, इनकम कहाँ से आएगा। बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे आपको न्यूज़ में भी, जो कि इनकी हालत बहुत ख़राब होती है इसके बाद, ऐसी चीज़ होने के बाद कुछ समय के लिए आप प्राइस तो देखो पैसे दे, जैसे कि और भी कंट्रीज़ और भी जो हमारे राज्य हैं, चाहे यूपी हो गया, केरला हो गया, ऐसे इवन हरियाणा, ये सब क्या किए हैं, कुछ पुरस्कार जैसे 1 करोड़ देने की बात की, तो ये पैसे कब तक चलेंगे, 1 करोड़ के पैसे है ना। तो बेटर होगा कि उन्हें एक ऐसा आप काम दे दीजिए, ऐसा एक चीज़ दे दीजिए जो कि उनको लाइफ टाइम के काम है। तो जॉब बहुत अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है ये, आई अप्रिसिएट इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए पेरू मकुलम गांव किस राज्य का पहला बुक विलेज है, तो ये कहाँ का है, ये केरल का है, तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू एस्पिरेंट।